आपका माल्यार्पण का स्वागत है, जोर से ताली बजाइए। एक मिनट बेटा, शुक्ला जी ऐसे पकड़े रहना है, टाउन फोर्स से चाहिए जाएगा, कुछ दबाना मत बटन को, कोई भी बटन मत दबाना। चिकित्सा अधिकारी शुक्ला जी मौजूद हैं, उनका माल्यार्पण का स्वागत है, जोर से ताली बजाइए। देखिए हम इस तरह के कार्यक्रमों में सबको खींच लो, कोशिश करते हैं कि मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी आप महोदय से हमने संपर्क किया था, अध्यक्ष को पहनाइए अपना, अपने गांव का सभी अध्यक्ष को पहनाइए, समिति के सुख समिति नहीं नहीं हमारा नहीं, आपका स्वागत करिए, अध्यक्ष महोदय है आपका भी माल्यार्पण स्वागत है। कल्याणपुर आपका भी स्वागत करिए, माल्यार्पण कल्याणपुर से आए हुए हैं, उनको माला पहनाइए, अरे उनको, अरे हमारा हमारा स्वागत ही है, कोई दिक्कत नहीं, आपको पहनाइए। बड़े अच्छे पशुपालक हैं, बड़े अच्छे पशुपालक हैं, आपको भी मौका देंगे। आपका गांव कौन सा है? मेरा बेटा खिसरौली कल्याणपुर मिसरौलिया, सभी लोग बता रहे थे हम कि 1 लाख की देखिए 1 लाख रुपए की कीमत भी आ जाए, आपने सुना भी नहीं होगा कि भैंस की कीमत भी 1 लाख रुपए होती है। डॉक्टर साहब के हाथ का सीमन पड़ा था, 22 महीना वो बच्चा दे दिया, 22 महीने पड़ी है बच्चा, 22 महीने में गर्मी में आ गई थी, 22 महीने बच्चा दे दिया, 22 महीने में अरे 22 महीने में खुद जब पैदा हुई उसके 22 महीने के अंदर उसने 10 महीना 11 महीना में सीमन डाला है, सीमन भी आपने डाला है, डेयरी में सुविधा है सीमन डालने की भी है, और अभी 1 लाख रुपए की भैंस जिसकी कीमत 1 लाख रुपए की कीमत है वो भैंस भी यहाँ मौजूद है, मतलब आपके गांव में है, और अगर आप चाहेंगे तो हम आपको अपनी गाड़ी से ले चलेंगे, उसके दर्शन भी करवा देंगे। देखिए अभी आपने एक बड़ा अच्छी बात बताई कि ये व्यवसाय ऐसा है कि अगर ढंग से किया जाए, अगर नियोजित ढंग से किया जाए, तरीके से किया जाए, तो ये आपको राजा बना सकता है, और अगर तरीके से नहीं करेंगे, महज औपचारिकता करेंगे, तो फिर इसमें आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, फिर आप दिन भर यही कहेंगे साहब इस धंधे में कुछ बचता बचाता नहीं है, और ये धंधा करने से कुछ फायदा नहीं, और आप इस धंधे को छोड़ देंगे। देखिए हरियाणा में, पंजाब में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पशुपालन और डेयरी, वो कहते हैं कि साहब हम पशुपालन और डेयरी ही हमारी जान है, हम दूध के लिए पशु नहीं पालते, वो कहते हैं कि हम दूध के लिए पशु नहीं पालते, हम अच्छी नस्ल की बछिया और पड़िया तैयार करते हैं और पूरे भारत को आपूर्ति करते हैं, इतनी अधिक संख्या में हम बछिया और पड़िया तैयार करते हैं कि हम पूरे उत्तर भारत को उसकी आपूर्ति कर सकते हैं, और हमारे यहाँ सोच ये है कि साहब पशुपालन से बुरा तो धंधा ही नहीं है, गोबर हाथ में लग जाएगा तो हमारा सामाजिक स्तर गिर जाएगा, यहाँ की सोच है कि नहीं है बताइए, ये मुश्किल है ना कि अगर हमारे बच्चे ने गोबर को हाथ लगा दिया या पशु को हाथ लगा दिया तो समाज में हमारी वैल्यू कम हो गई, वही काम है, इसीलिए नहीं रखते ना, इसीलिए नहीं रखते हैं कि हमारी नई पीढ़ी आ रही है जो मोटरसाइकिल और मोबाइल पे चलती है, कंप्यूटर पे काम करती है, अब उनसे आप उम्मीद करें कि गोबर उठाए या दूध पशुपालन करें तो वो इस धंधे को बड़ा दूसरी तरह से सोचते हैं, वो कहते हैं कि समाज में हमारी इज्जत इससे कम हो जाती है।